नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है जून 2024 करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में 10वां देश बना है बेलारूस। एससीओ में अब तक टोटल 10 देश हो चुके हैं। 9वां देश ईरान था। 2001 में स्थापना हुई थी, जहां इसके अभी हेड बने हैं। और एससीओ की हाल ही में 2024 में बैठक कजाकिस्तान में होगी। 2023 में पुणे में हुई थी। 2014 में भारत पाकिस्तान कजाकिस्तान में ये सदस्य बना था। तो इसमें जो 5 स्थान होते हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान हटा दो तो 4 स्थान हो गए, रूस, चीन और भारत पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। 10 देश हैं एससीओ में। इम्पॉर्टेंट है 2024 में बैठक कहाँ होगी, कजाकिस्तान के राजधानी में होगी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के पहले सीईओ थे अरविंद पनगड़िया, जो कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 16वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं कब से कब तक होगा, तो 2026 से लेके 2031 तक वित्त आयोग, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, 9वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया अमेरिका और वेस्टइंडीज में। इम्पोर्टेंट है, अमेरिका और वेस्टइंडीज में इसका आयोजन किया गया 1 जून से 29 जून के बीच में ये हुआ है। और भारत जीत गया है दक्षिण अफ्रीका को हरा के, दूसरी बार जीता है। पहली बार 2007 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो इस समय जो जीता भारत, तो कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा और अफ्रीका कप्तान थे एडम मार्करम। और कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है जसमीत बुमराह को, 15 विकेट लिया था। और फाइनल मैन ऑफ द मैच दिया गया विराट कोहली, 76 रन बनाए थे इन्होंने। AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने AI टूल विकसित किया। नेक्स्ट, 3-स्टार ग्रैंड पिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं श्रुति बोरा। नेक्स्ट है, खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। वैश्विक शांत सूचकांक में भारत 116वें स्थान पे है, पिछले 10 साल के अंतर आया है। 2022 में 136वें स्थान पे था और 23 में 126वें स्थान पे था और अभी 116वें स्थान पे। पहले स्थान पे है आइसलैंड, सेकंड स्थान पे आयरलैंड और थर्ड स्थान पे ऑस्ट्रिया। आइसलैंड की अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है हल्ला अभी राष्ट्रपति बनी है। और आइसलैंड में जेंडर गैप में भी आइसलैंड का पहला स्थान है और शांत सूचकांक में भी आइसलैंड का पहला स्थान रख सकते हैं। मिनट मैन थर्ड ICBM इंटल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया है अमेरिका ने। मतलब परमाणु बम के बाद अगर कहा जाए सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है तो ये है। नेक्स्ट है, संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है और 78 देशों ने इसमें साइन किया, भारत ने साइन नहीं किया है। इम्पॉर्टेंट है, क्यों भारत ने साइन इसलिए नहीं किया, क्योंकि भारत ने कहा है कि ये जो शांति समझौता है ये रूस और यूक्रेन के बीच में है, तो दोनों देशों का यहाँ होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि रूस यहाँ था नहीं तो इसलिए भारत ने साइन नहीं किया। नेक्स्ट है, मीटिंग कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, मिशन चांगी 7 के लिए चीन के साथ मतलब सहयोग करेंगे इजिप्ट और बहरीन, कैमरा बनाने में मदद करेंगे चांगी 7। अभी कुछ समय पहले चांगी 7 में चीन ने पाकिस्तान का एक रोबोट लेके चंद्रमा के डार्क साइड में जो है उतारा था और वहाँ से अभी हाल ही में 2 किलो मिट्टी लेके वापस आ रहा है। तो
तो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ यहाँ पे इजिप्ट और बहरीन एक कैमरा बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पे है। ये दो साल में मीटिंग जारी होती है, दो दो साल में 2022 में सबसे लास्ट स्थान था 180। पहले स्थान पे एस्टोनिया, सेकंड स्थान पे है लग्जमबर्ग, थर्ड स्थान पे है जर्मनी। भारत अपना डीप सी मिशन करेगा, करने वाला छठा देश बन गया है। और डीप सी मतलब समुद्र के अंदर मिशन, डीप सी मिशन। तो कितने मत्स्य का नाम होगा, मत्स्यान 6000, मतलब 6000 मीटर तक जाएगा। नेक्स्ट है एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 27 गेंदों में 100 रन बना दिया और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्रिस गेल का T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि साहिल चौहान का जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन इन्होंने एस्टोनिया की नागरिकता ले ली और एस्टोनिया की टीम की तरफ से खेलते हैं। तो इन्होंने 27 गेंदों में 100 रन बना के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन 19 जून 2024 को मोदी जी ने किया। ये विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में कुमार गुप्त ने बनाया था और इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन दौड़ेगी, मतलब किस नदी पे, पूछ ले किस नदी पे है तो नाम से क्लियर होगा चिनाब नदी पे। किस जिले में है, रियासी जिले में है जम्मू कश्मीर के। और कितना ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। और कितने किलोमीटर तक है, 1.3 किलोमीटर तक है। किसका हिस्सा है ये, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं विराट कोहली। काफ़ी टाइम से रणवीर सिंह टॉप पे थे, अब विराट कोहली आ गए, सेकेंड स्थान पर रणवीर सिंह है, थर्ड स्थान पर शाहरुख खान है। ध्रुवा स्पेस, ये 2012 में स्थापना हुई थी, हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ने थ्राई बोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी पर 5000 चक्कर पूरे किए। टाइम पूरा हो गया, 5000 चक्कर पूरा कर लिया ये ध्रुव स्पेस का थ्राई बोल्ट सैटेलाइट। इसको भेजा किसने था, भेजा था 2022 में इसरो के PSLV C54 के द्वारा इसको भेजा गया था, PSLV C54 के द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विनोद गनात्रा को। नेक्स्ट है 21 जून को मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहता, बीजेपी के। और अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो राजस्थान के हैं ओम बिरला, और विपक्ष बने हैं राहुल गांधी, विपक्षी नेता। अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोलेगा भारतीय सेना, स्किन बैंक खोलेगा भारतीय सेना। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवीडिया सबको पीछे कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट को भी एप्पल को भी, सेकंड स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड स्थान पे एप्पल। एनवीडिया प्रोसेसर चिप बनाती है, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। क्या कहा है कि 50% कानून कर दिया है, क्योंकि बिहार पहला राज्य था जो जाति जनगणना करने वाला, तो देखा कि जनरल लोग कम है तो उसने 65% आरक्षण बढ़ा दिया, तो पटना हाईकोर्ट ने उसको 50% कर दिया। इसी 50% में 50% जनरल का, 50% में सब, तो 50% जनरल का है, उस पर 10% EWS भी है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन बंगलुरु में होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया है एम्स दिल्ली ने। यह प्रक्रिया विश्व स्तर पर 8वां मामला है, मतलब भ्रूण रक्त आधान जो पहला मामला एम्स दिल्ली में किया गया, यह विश्व स्तर पर 8वां मामला है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस नेशनल पार्क सुना होगा सबसे बड़ा लद्दाख में, इसी में ही चाम नृत्य होगा। पूछा जाएगा मुखौटा नृत्य किस में होता है, तो इसी में होता है। नेक्स्ट पूछते हैं भारत ने किस देश के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू किया है, मतलब अगर तबीयत खराब है तो भारत में दिखा सकता है, ई वीज़ा ले सकता है, किसके लिए शुरू किया है, बांग्लादेश के लिए। अभी शेख हसीना आई थी तब शुरू हुआ ये। NTA अभी विवादों में रहा तो नए हेड बने प्रदीप सिंह खारोला, प्रदीप सिंह खारोला राष्ट्रीय परिचय एजेंसी के हेड है। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है, केरल का कोझिकोड, और संगीत शहर घोषित किया था ग्वालियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कोप 29 की बैठक अजरबैजान बाकू में होगी 2024 में, कोप 29 2024 अजरबैजान बाकू में होगा, जबकि कोप 33 प्रस्तावित है भारत में 33। नेक्स्ट है
विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है कलश गुप्ता ने IIT दिल्ली के, मतलब दुनिया भर में कोडिंग हुई थी, कोडिंग जिसे कोडिंग चावा कोडिंग इस टाइप से कोडिंग, तो प्रतियोगिता कलश गुप्ता ने की IIT दिल्ली के। 53वीं GST परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं पर कितने प्रतिशत GST लगाया जाएगा, 0%। जो सेवाएं दी जा रही हैं जैसे कि रिटायरिंग रूम हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, जो टिकट आप बुक करते हैं उस पर तो टिकट जो लगता है, सर्विसेज दी जा रही हैं उस पर 0% GST लगेगा। श्रीजा अकुला ये भारत के हैं, इन्होंने टेबल टेनिस खेलते हैं, क्योंकि अभी गोल्ड जीते तो पूछ सकते हैं कि श्रीजा अकुला का संबंध क्या है, क्या खेलते हैं, भारत के टेबल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र यूपी के महाराजगंज में खोला जा रहा है। 2007 से IUCN की रेड सूची में गंभीर रूप से लुप्त में इसको दिया गया है। और नेक्स्ट है, अपने सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री PM कार्यालय का PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा मध्य प्रदेश। ये मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और इसमें होगा क्या, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खोला जाएगा, मतलब सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है झारखंड में, मतलब जहाँ कोयला है वहीं उसको गैस बना दो, जो हमें इम्पोर्टेंट गैस चाहिए जैसे मीथेन वगैरह कुछ भी चाहिए तो वहीं पर ही गैस बना दो जहाँ कोयला है। तो भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है झारखंड में। केरल विधानसभा ने अपना नाम चेंज करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, क्या चाहता है, केरल करना चाहता है, हालांकि संसद में भेजा गया तो संसद ने वापस कर दिया, दोबारा फिर से भेजा गया है। नेक्स्ट है, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। नेक्स्ट, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा, क्योंकि सफाई कहाँ करेंगे, आवास में करेंगे ना, सफाई भगाओ और बीमारी अपनाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की बैठक नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। 63वीं कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय, जो कि जितने भी AI का विश्वविद्यालय है केरल में खुला है, के प्रोफेसर बने प्रोफेसर साइमन मार्क को कुलपति नियुक्त किया गया है। भारत में पहला AI विश्वविद्यालय केरल में खोला गया था, उसके प्रोफेसर बने हैं, कुलपति बने हैं प्रोफेसर साइमन मार्क। हाल ही में जो कक्षा सात से AI सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है, अब शायद पहले टीचर भी यहीं पे थी AI की। नेक्स्ट है, महिला मीडिया ने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 जीता है, कहाँ की महिलाओं ने, तो सोमालिया में 3 महिलाओं का ग्रुप है, मीडिया है, मतलब एक मैक लेके चलता है इस टाइप से, तीनों है कैमरा लेके, तो उनको ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड दिया गया सोमालिया की। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसे दिया गया है तो ये सन्ना को दिया गया है, ये जो है इंडिया टुडे की AI एंकर है सन्ना, ग्लोबल मीडिया अवार्ड। नेक्स्ट है, नाटो के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं मार्क रूटे, इंपॉर्टेंट है, नाटो के नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे, ये पूछा है क्या थे इसके पहले, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, वर्तमान में 32 सदस्य हैं, 32वां सदस्य बना था स्वीडन, और 31वां शहर बना है फिनलैंड, 31वां शहर बना है फिनलैंड। नेक्स्ट है, तो मार्क रूटे याद हो गया नाटो का, अभी हाल ही में नाटो के छः देशों ने मिलकर भारत और रूस की बाउंड्री पर ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है, और स्वीडन जो 32वां देश बना है इसके अभी 2 जो है सर्विलांस जहाज जो है यूक्रेन को देने के लिए कहा है। नेक्स्ट है, भारत और मिस्र के बीच में होपैक्स संयुक्त अभ्यास होगा, अभी सबसे बड़ा अभ्यास आपने सुना होगा अलास्का में हुआ था, रेड फ्लैग अभ्यास हुआ था, जिसमें काफ़ी देशों की सेनाओं ने भाग लिया था, भारत ने भाग लिया था, तो भारत की सेना वहाँ से लौट रही थी तो मिस्र में गई, तो मिस्र में भी एक एक्सरसाइज निपटा दिया, तो क्या नाम था होपैक्स, ये भारत मिस्र के बीच में हुआ था, वो उसमें सब लोग ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, स्कूल इन ए बॉक्स किट असम देगा पहाड़ जो राहत शिविरों को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में होगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम एज जो है ये एक्सरसाइज है,
ये त्रिपक्षीय संधि है, ये भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करेगी, नाम क्या होगा? कासा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये अब शुरू कर रहे हैं, अब अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या होगा? कासा होगा। इन्होंने कहा है 2045 तक हम मंगल यान करेंगे और 2032 तक चंद्रमा पे जाएंगे। भारत ने कह दिया हम 2035 तक अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे और 2040 तक हम चंद्रमा पे आदमी भेज देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में पहली विदेशी परियोजना शुरू की। नेक्स्ट है, स्वीडन ने 2 एयरबोर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल 890 विमानों को देने की घोषणा की। यूक्रेन को बता चुके हैं आपको, स्वीडन 32वां देश बना है, बता चुके हैं नाटो का 1949 में स्थापना हुई थी, 31वां देश, फिनलैंड बना था। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, नाम क्या है? अग्निबाण। हम आपको बता चुके हैं 3D डाकखाना बेंगलोर में खुला, मंदिर 3D तेलंगाना में, 3D मस्जिद सऊदी अरब में और 3D नाव भी सऊदी अरब में बनी है और 3D यहाँ मिसाइल ही बन गए है सिंगल पीस में, नाव भी सिंगल पीस में ही है। तो नाम क्या है? अग्निबाण। कितने बनाए? अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना, भारतीय मुक्केबाज महासंघ जो है विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट है, रेड फ्लैग बता चुके आपको, अलास्का में हुआ था, काफ़ी मल्टी एक्सरसाइज था, काफ़ी देशों ने भाग लिया इसमें, भारत ने भाग लिया। ओपैक्स भारत फ्रांस के बीच में हुआ। स्कूली पाठ्यक्रमों में AI शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया केरल, कक्षा 7 से स्टार्ट करेगा बच्चों के। तो नेक्स्ट बता चुके हैं आपको, मलेशिया ने मुजफ्फर शाह को भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया। नेक्स्ट है, 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बनाया जाता है। तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ तो कहा गया था कि 10 साल तक 2024 तक 10 साल तक तेलंगाना हैदराबाद की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी। अब 10 साल पूरे हो गए हैं, अब क्लियर हो गया है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। और चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया, जो नए CM आए उन्होंने कह दिया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ट्रांजेक्शन जो कंपनी की कॉल आती हैं वो अब आएंगी 160 नंबर से, 160 जो भी आगे नंबर हो, और पहले आती थी 140 नंबर से आती थी। फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है और तो केंद्र सरकार ने ट्रांजेक्शन कॉल 160 संख्या से स्टार्ट होंगी। टेली मार्केट्स को प्रचार सेवा लेन देन संबंधी कॉल जो आती थी तो पहले 140 नंबर से आती थी। नेक्स्ट है, आइसलैंड के नए CM बता चुके हैं आपको, बता चुके सेकंड महिला बनी हल्ला टॉम्स डॉटर, हल्ला टॉम्स डॉटर, हल्ला टॉम्स डॉटर सेकंड महिला है आइसलैंड की, बता चुके हैं। आइसलैंड 2 मामलों में नंबर 1 पे है, ग्लोबल जेंडर गैप और शांति सूचकांक में। नेक्स्ट है, UEFA चैंपियन लीग 2023-24 जो हुई थी उसमें 15वीं बार रियल मैड्रिड जीत गई है, चैंपियन लीग रियल मैड्रिड जीत गई है। लोकसभा चुनाव हुए थे, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नतीजे जो हैं 4 जून को आए थे और 9 जून को मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया। तो लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। तो इस पर जो है NDA ने जीती सीट 292 सीटें और इंडिया जो कि सेकेंड स्टार पर रहा है उसने 234 सीट जीती, कितनी थी? 234। तो याद हो गया, आसान हो गया। और NDA ने कितनी सीट जीती? 292। अब हम आखिरी में देखेंगे कि BJP ने कितनी जीती, कांग्रेस ने कितनी जीती और सपा ने कितनी जीती, तृणमूल ने कितनी जीती, और मैंने क्रम से बताया है तो आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्लाउडिंग सिनबॉम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउडिया सिनबॉम मैक्सिको की राष्ट्रपति पहली महिला। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, थीम थी लैंड रेस्टोरेशन डिजल्टिफिकेशन एंड रेजिलियंस, लैंड रेस्टोरेशन डिजल्टिफिकेशन एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है कृष्ण प्रकाश को, हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोस्फीयर बनाए जाने की घोषणा की, कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। पूछा जाएगा किस पार्क में बनेगा? तो राजाजी नेशनल पार्क में बनेगा। पूछा जाएगा कौन कौन बनेगा? दो लोग बनाएंगे, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना,
इसको बनाएंगे। क्या है? भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व है, पहला है। कहाँ बनेगा? जिला पूछे उत्तराखंड, पार्क पूछे राजेंद्र नेशनल पार्क। कौन को बनाएगा? जयधर गुप्ता और विजय दसवाना। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल शुरू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। मतलब टेली मानस जो साइको हो जाए, मतलब मोटिवेट करने के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर स्टार्ट करेगा सशस्त्र बलों के लिए। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया SBI, सरकारी बैंक बन गया SBI। अगर ओवरऑल बात करें तो 7वें स्थान पर, 8 लाख का मार्केट कैप छूने वाला। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स तीसरी बार गई हैं, अब फंस गई हैं। तीसरी बार जाने में काफ़ी हाईलाइट रहा मामला, क्योंकि कई बार इनके जो है रॉकेट में समस्या आई, लेकिन फिर भी गई है। तो इनके रॉकेट का नाम किसने बनाया, कैसे भेजा गया, सब पूछा जाएगा। तो बनाया किसने? तो बनाया बोइंग ने। रॉकेट का क्या नाम था? स्टार लाइनर अंतरिक्षयान। भेजा किसने? भेजा है नासा के एटलस वी रॉकेट ने। बनाया किसने? बोइंग ने। क्या नाम था? स्टार लाइनर अंतरिक्षयान नासा के एटलस वी के द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है 2025 की, जिसमें बताया गया मैसाचुसेट्स काफ़ी टाइम से 25 साल से टॉप पे है। सेकंड स्थान पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, थर्ड स्थान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और 150 में दो भारतीय हैं। 118 स्थान पे IIT बॉम्बे और 150वें स्थान पे IIT दिल्ली। भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, 2040 तक चंद्रमा पे मानव को भेज देगा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव ने इजराइल पासपोर्ट धारकों को और प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ के पासपोर्ट? इजराइल के। इजराइल का कोई भी लोग अब मालदीव नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1000 करोड़ परियोजना स्टार्ट कर रहा हरियाणा। इसको विश्व बैंक सहयोग कर रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1000 करोड़ की परियोजना हरियाणा स्टार्ट कर रहा है, विश्व बैंक द्वारा समर्पित है ये। नेक्स्ट है, ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष पे 1000 दिन बिताने वाले रिकॉर्ड बना दिया है। ओलेग कोनोनेको 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए रूस के अंदर। इजाद ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने रूस के एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है और काफ़ी 1000 दिन से भी ज़्यादा रहे हैं ये ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार में। इनको भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। टोटल रामसर भारत में 82 हो गए हैं। सबसे आपने पढ़ा होगा 75 थे, फिर 5 बढ़े और फिर 2 बढ़े। तो 5 फरवरी में 5 बढ़े थे, वो जिसमें से कर्नाटक के 3 थे, तमिलनाडु के 2 थे, और अभी बिहार के 2 हो गए। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, UNSC में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य में जो 5 जो हैं वो 2-2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो अभी जो 5 नए आए हैं गैर अस्थायी सदस्य, तो गैर स्थायी सदस्य उनके नाम याद होने चाहिए। पाकिस्तान, छोटे छोटे दोस्त हैं, सोमालिया, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क। पाकिस्तान, सोमालिया जहाँ पे जो डाकू लोग जहाज लूट लेते हैं, ग्रीस की राजधानी एथेंस, भूमध्य सागर पे एक ही राजधानी स्थित है ग्रीस की, और पनामा नहर आपने देखा है 1914 में स्थापना हुई थी, डेनमार्क चाइनी रहे हैं। तो ये 5 देश जो गैर स्थायी सदस्य हैं के रूप में एंट्री लिए हैं UNSC में। नेक्स्ट है, भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, 10 ISSF म्यूनिक विश्व कप 2024 जीता है सरबजोत सिंह ने। म्यूनिक जर्मनी में है, म्यूनिक विश्व कप हुआ है 2024 में, सरबजीत सिंह जीत गए गोल्ड। तो पूछ सकता है सरबजीत सिंह का संबंध किससे है, तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल से है। सिंगापुर में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEP स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक होगी सिंगापुर में। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEP के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक सिंगापुर में होगी। RBI ने 8वीं बार रेपो रेट को वही रखा 6.5%, 8वीं बार। नेक्स्ट है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। नेक्स्ट है, लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बन गई प्रियंका जारकीहोली। आदिवासी महिला सबसे कम उम्र की लोकसभा बनी है, कर्नाटक की है। नेक्स्ट है, जब से मूल्यवान कंपनी आपको बता चुके हैं, नंबर 1 पे NVIDIA, सेकंड स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड स्थान पे Apple। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला है हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका B. राजीव। नेक्स्ट है, जून में 700 मीटर राष्ट्रीय एकता पुल
बनाया गया है हंगरी में, मतलब ये भी रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा फूल है कि उसमें आदमी चलेगा, मतलब ये मूव भी करता, मतलब जैसे कि रस्सी से कोई फूल बन जाता है तो उस टाइप से एकता फूल में आदमी को चल सकते हैं। हंगरी बना है 700 मीटर का। नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया गया सेबी को। सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। पहली महिला अध्यक्ष है माधुरी पुरी बुंज। और बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया गया सेबी को। नेक्स्ट है 2025 से लेके 29 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन नोएडा के बुद्धा सर्किट में होगा। मतलब मोटरसाइकिल रेस अभी नोएडा में हो चुकी, लोगों को अच्छा लगा, तो अब 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया में नोएडा में कहाँ होती है, बुद्धा सर्किट में। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और पहला मनाया गया 11 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी। पहले इसमें तेरानी हुआ करते थे, बनी अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है तापमान निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह स्थापित किया है। तापमान निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह स्टार्ट किया भारत और फ्रांस ने मिलकर। ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। इसकी मीटिंग विदेश मंत्रियों के रूस में हो रही है। कोई मीटिंग पूछे, इस बार मीटिंग रूस में हो रही है ब्रिक्स की। 5+5 10 देश हो गए हैं। 5 तो ये देश हो गए, 5 देश हैं मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया। नेक्स्ट देखते हैं 2006 में स्थापना हुई थी, 9वें पहली बैठक रूस में हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी बता चुके हैं अमरावती होगी। और आर्टेमिस मिशन जो है इसमें अभी हाल ही में पेरू स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किया है और इसमें 42 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत इसमें हस्ताक्षर कर चुका है। मतलब अंतरिक्ष के लिए कोई रूल और रेगुलेशन, ऐसा नहीं कोई अंतरिक्ष में जाए चंद्रमा पे कहे पूरी जमीन हमारी है पूरी, तो कोई रूल और रेगुलेशन बन सके उसके लिए समझौता हो रहा है, तो 42 देश इसमें हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच में जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण हुआ। जापान इंडिया तो अगर कहा जाए कि जितने भी धर्म गार्जियन होते हैं, वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन, वो भारत जापान के बीच में होते हैं। थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेन द्विवेदी और नौसेना अध्यक्ष बने हैं दिनेश त्रिपाठी। G7 की बैठक इटली में होगी 2024 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम सरकार स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट है UFC फाइट जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई हैं पूजा तोमर, ये यूपी के मुजफ्फरनगर में रहती हैं। बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमात, 3 वर्ष के लिए लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमात जमान। नेक्स्ट है यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये कहाँ पे है, ये श्रावस्ती बल्लमपुर गोंडा में है। और पहला है दुधवा है, जानते हैं आप अमनगढ़ जानते हैं बिजनौर में पड़ता है, पीलीभीत नाम से क्लियर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया लग्जमबर्ग। और सेकंड स्थान पर आइसलैंड और थर्ड स्थान भारत के स्थान 129वें स्थान पर है। भारत 129वें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति GDP वाला पहला देश बन गया लग्जमबर्ग। सेकंड स्थान पर आइसलैंड, भारत 129वें स्थान पर। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है विराट कोहली को। BJP से आप चुनाव के बारे में बता चुके हैं, 4 जून को रिजल्ट है और 9 जून को शपथ ली गई मोदी ने तीसरी बार। तो BJP को 240 सीट मिली एक नंबर पे, सेकंड नंबर पे कांग्रेस 99 सीट मिली और थर्ड स्थान पे सपा रही 37 सीट मिली और फोर्थ स्थान पे तृणमूल कांग्रेस रही 29 सीट मिली। इंडिया को बता चुके हैं, सॉरी INDA को 292 सीट मिली, गठबंधन पहले नंबर पे, NDA को 292 सीट मिली और इंडिया को 234 सीट मिली। 4 जून को रिजल्ट आया और 9 जून को मोदी ने तीसरी बार सफल दिया और 3 बार ही ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी लगातार रह चुके हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की राजधानी बता चुके हैं अमरावती और तेलंगाना की हैदराबादी हो चुकी है। मोदी ने 14वें व्यक्ति के रूप में मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून को शपथ दिलाई। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन जीता कार्लोस अल्काराज ने। फ्रेंच ओपन का है या रोनाल्ड गैरोस, फ्रेंच ओपन या रोनाल्ड गैरोस इसको जीत दिया है, कार्लोस अल्काराज ने जीत दिया। लोकसभा चुनाव जब हुए तो साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन यह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 129वें स्थान पर है, पहले स्थान पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप में 129वें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति GDP में भारत 129वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो, आज ये रहा पूरा
जून 2024 के करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।